नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं एमटेक चैनल को। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फोटो एडिट करने का एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें आपको दुनिया का सारा सेटिंग मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने फोटो को अच्छा सा लुक और अच्छा सा आकार दे सकते हैं। आप अपने फोटो को जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी अपने फोटो को एक अच्छा सा लुक और आकार दे सकूं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को यहां से लाइक कर दीजिएगा, यहां से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पर सिंपली सर्च कर देना है फोटो डायरेक्टर। फोटो डायरेक्टर सर्च कर देना है और फोटो डायरेक्टर सर्च करने पर हमारे सामने वो एप्लीकेशन आ जाता है। तो दोस्तों हम लोगों को इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। दोस्तों अगर इस एप्लीकेशन के रेटिंग का बात करें तो इस एप्लीकेशन को 4.6 का रेटिंग मिला हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है और नीचे से आप अच्छे अच्छे रिव्यू को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हम लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे हम लोगों को तीन ऑप्शन मिल जाता है, एग्जिट का, कैमरा का और कॉलेज का। तो हम लोगों को जाना है एग्जिट में। चलिए एग्जिट पर क्लिक करते हैं। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मेरे गैलरी का सारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। तो आप अपने गैलरी से एक फ़ोटो ले लीजिए जिस फोटो को आपको बनाना हो। तो चलिए मैं अपने गैलरी से एक फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे नीचे हम लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जिससे हम अपने फ़ोटो को अच्छा लुक और आकार दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन का बात करें तो हम लोगों को मिल जाता है क्रॉप एंड रोटेट का। तो इस ऑप्शन से हम अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने फ़ोटो को भी क्रॉप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और नीचे यहाँ से आप अपने फ़ोटो को इस आकार में भी क्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आपको इस आकार में करना है तो आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं और नीचे आप अपने फ़ोटो को 90 डिग्री से भी घुमा सकते हैं। यहाँ से आप अपने फ़ोटो को 90 डिग्री से भी घुमा सकते हैं और फ़ोटो को फ्लिप करने का भी नीचे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने फ़ोटो को फ्लिप कर सकते हैं। तो नीचे यही सारा ऑप्शन है फ़ोटो एडजस्ट करने का। आप जैसा चाहो वैसा अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद सबसे ऊपर कॉर्नर पर एक राइट का ऑप्शन देख रहे हैं, तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से हम वही इंटरफेस में आ चुके हैं और फर्स्ट ऑप्शन हम लोग समझ चुके हैं। आप चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। तो ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है, फिश ई का और पर्सपेक्टिव का। तो फिश ई से आप अपने ई को एक अच्छा आकार दे सकते हैं। अगर आपका ई काफ़ी नीचे चला गया है तो आप इसकी मदद से अपने ई को उठा सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह आप अपने ई को उठा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने ई को अच्छा आकार देना तो आप इसकी मदद से दे सकते हैं। तो चलिए मैं बैक आता हूँ और इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है पर्सपेक्टिव का। तो आप पर्सपेक्टिव से अपने फ़ोटो को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में कर सकते हैं। नीचे हम लोगों को दो प्रकार का ऑप्शन मिल जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो आप अपने फ़ोटो को हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का लुक आप अपने इमेज को दे सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं। अब हम लोग दो ऑप्शन समझ चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है एडजस्ट का। तो एडजस्ट से हम अपने फ़ोटो के लाइट को चेंज कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं टोन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम अपने फ़ोटो को लाइट को घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है कर्व का। तो आप कर्व से अपने फ़ोटो को कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसा कलर देना चाहो वैसा कलर यहाँ से दे सकते हो। तो चलिए मैं बैक आता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है सैटुरेशन का। तो सैटुरेशन से भी कलर ही चेंज होता है। तो यहाँ से आप व्हाइट मोड में रखना चाहते हो अपने फ़ोटो को तो ये व्हाइट में भी रह सकता है और कलर में भी आ सकता है। तो अब चलिए बैक आते हैं। फिर अगला ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है शार्पनेस का। तो आप शार्पनेस से भी
लाइट ही घटा बढ़ा सकते हो, ये देख सकते हैं आप लोग। तो एडजस्ट में दोस्तों हम लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है लाइट को घटाने और बढ़ाने का। तो अगर आपको अपने फोटो में लाइट डालना हो तो आप एडजस्ट में जाइएगा और वहां से जैसा चाहो वैसा लाइट दे सकते हो। दोस्तों अब हम लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है रिमूव कलोन का। तो जैसे ही हम लोग रिमूव कलोन पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को तीन ऑप्शन मिल जाता है, रिमूवल, कलोन और मूव का। तो आप इसकी मदद से अपने फोटो से कुछ इफेक्ट को हटा भी सकते हैं और कुछ इफेक्ट को ला भी सकते हैं। तो अगर आपको अपने फोटो के बैकग्राउंड से किसी भी इफेक्ट को हटाना हो तो आप सिंपली इसकी मदद से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग को अगला ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट का। तो इफेक्ट से हम अपने फोटो को अच्छा अच्छा आकार दे सकते हैं, अच्छे अच्छे रंगों में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जैसा इफेक्ट लेना हो वैसे इफेक्ट ले सकते हैं। इस प्रकार का इफेक्ट दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको जो इफेक्ट में अपने फोटो को रखना है वो इफेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है प्लास का। तो आप प्लास से अपने फोटो को इस आकार में तब्दील कर सकते हैं। इस प्रकार का लुक अगर आप अपने फोटो को देना चाहते हैं तो आप सिंपली इसकी मदद से कर सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है कट आउट का। दोस्तों कट आउट से आप अपने फोटो को जिस पार्ट को रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद जितना सिलेक्ट किया हुआ रहेगा वो तो रह जाएगा और जो सिलेक्ट नहीं रहेगा वो हट जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ, पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कट पर क्लिक करेंगे तो मेरा इतना फोटो रह जाएगा। अब चलिए कट पर क्लिक करते हैं। कट पर क्लिक करते ही दोस्तों अब मेरा जो फोटो था वो आ चुका है, लेकिन बैकग्राउंड सफ़ेद है तो आप लोगों को पता भी नहीं चला कि बैकग्राउंड हटा है या नहीं हटा है। आप यहां से अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बैकग्राउंड को चेंज करना तो सिंपली आप कटआउट से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन मिल जाता है मिरर का। तो मिरर से हम अपने फोटो को मिरर जैसा बना सकते हैं, जैसा कि मिरर में देखने पर प्रतीत होता है। जैसे कि ये देखिए, ऐसा लुक अगर आप अपने फोटो को देना चाहते हैं तो सिंपली आप मिरर की मदद से दे सकते हैं। अब चलिए बैक आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग को अगला ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडर का। तो ब्लेंडर से आप देख ही सकते हैं, आप अपने फोटो को इस प्रकार का लुक दे सकते हैं जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखने में काफ़ी लाजवाब लग रहा है ये वाला। तो इस प्रकार का लुक देना चाहते हैं तो आप यहां से दे सकते हैं। ऊपर भी दोस्तों हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है लाइट चेंज करने का, तो यहां से आप जैसा चाहो वैसा लुक दे सकते हो। फिलहाल ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो ब्लेंडर के बाद दोस्तों हम लोग को अगला ऑप्शन मिल जाता है ओवरले का। तो ओवरले पर टच करने पर चार ऑप्शन और मिल जाता है, लाइट लीक का, ग्रंज का और स्क्रेच और लेंस फ्लेयर का। तो लाइट लीक से आप अपने फोटो में अलग से लाइट दे सकते हो, जैसा कि यहां से आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार का लाइट आप अगर साइड से देना चाहते हैं फोटो में तो दे सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। इसके बाद ग्रंज का ऑप्शन है, तो ग्रंज से हम लोग अपने फोटो को इस प्रकार का लुक दे सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है स्क्रेच का। तो यहाँ से भी आप अपने फोटो को स्क्रेच जैसा लुक दे सकते हैं। इसके बाद फिर से बैक आते हैं और अगला ऑप्शन मिल जाता है लेंस फ्लेयर का। तो यहाँ से आप अपने फोटो में लेंस दे सकते हैं, लेंस देना चाहे तो आप अपने फोटो को यहाँ से लेंस दे सकते हैं। तो चलिए अब बैक आते हैं। तो अगर आपको अपने फोटो को बैकग्राउंड में कहीं से लाइट देना होगा तो आप सिंपली ओवरले की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है ब्लर टूल का। तो आप ब्लर टूल से अपने फोटो को जिस एरिया को ब्लर करना चाहते हैं बस उस एरिया को सिलेक्ट नहीं करना है और बाकी जिस एरिया को ब्लर नहीं करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इतना सिलेक्ट कर चुका हूं, अब चलिए इसको ब्लर करते हैं। दोस्तों ये ब्लर हो चुका है पर मेरा फोटो का इफेक्ट ही अभी ऐसा है जो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप सिंपली ब्लर टूल से अपने फोटो को बैकग्राउंड में भी ब्लर लगा सकते हो और आप जहां चाहो वहां ब्लर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग को अगला ऑप्शन मिल जाता है पोर्टेंट टूल्स का। तो पोर्टेंट टूल्स को ओपन करने पर हम लोग को दो ऑप्शन मिल जाता है, स्मूथनर का और रेड ई का। तो आप अपने चेहरे को लाइट भी दे सकते हैं और अगर आपका आँख रेड है तो आप अपने रेड आँख को हटा सकते। इसके बाद दोस्तों हम लोग को पेन टूल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो पेन टूल्स पर क्लिक करने पर ब्रश आता है और मैजिक ब्रश आता है।
तो आप ब्रश से अपने फोटो को पेंट कर सकते हैं। जिस एरिया को पेंट करना चाहते हैं उस एरिया को पेंट कर सकते हैं। अब चलिए बैक आते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट टूल का, तो यहाँ से आप अपने इमेज में जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट टूल की मदद से लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है स्टिकर का, तो स्टिकर से आप अपने इमेज में स्टिकर लगा सकते हैं। काफी अच्छा सा स्टिकर भी मिल जाएगा। तो अगर आप अपने फोटो में स्टिकर लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह लगा सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है फ्रेम का, तो आप अपने फोटो में फ्रेम भी लगा सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा फ्रेम लगा सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा फ्रेम मिल जाएगा। अब चलिए बैक आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है सीने का, तो आप यहाँ से अपने फोटो को इस प्रकार का लुक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस प्रकार का लुक आप दे सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग काफ़ी सेटिंग की मदद से अपने फोटो को बहुत अच्छा सा आकार दे सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन की सेटिंग का बात करें तो इसके सेटिंग में कोई कमी नहीं है। आप जो चाहोगे वो कर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।